सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो। सो आज अपन करेंगे मकर संक्रांति के लिए फोटो एडिटिंग। तो ये सेकंड वाली एडिटिंग है मकर संक्रांति के लिए, और मैंने पहले इस तरह की फोटो एडिटिंग करा था। तो आप लोगों को दोनों में से कौन सी बेस्ट लगी कमेंट करके जरूर बताना, एंड हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना इस वाली वीडियो को, एंड आप उस वाली वीडियो को भी जाकर सीख सकते हो वो वाली एडिटिंग। अगर आपको वो वाली भी एडिटिंग सीखनी हो या फिर आपको वो वाली एडिटिंग की बैकग्राउंड चाहिए तो उस वीडियो पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। सो इस तरह फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो गाइस तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा गाइस तो जल्दी से फॉलो कर लेना। सो बाकी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबको पिक्सेल ऐप को ओपन करके सिंपली ये वाली बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ ऐड फोटो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे प्रेस करेंगे और अपना एक मॉडल फोटो या पीएनजी को ऐड करेंगे। तो मैंने अपने यहाँ एक पीएनजी को ऐड करा है। सो अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता गाइस तो ये वाली वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आप ये वाली ट्रिक को यूज करते हो गाइस तो आपकी जो फोटो की क्वालिटी है इरेज करने के बाद नहीं फटती है। जैसे पिक्सेल ऐप में थोड़ी सी क्वालिटी फट जाती है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा फट जाती है। तो आप ये वाली ट्रिक को एक बार जरूर यूज करके देखो, मे बी आपके लिए भी यूजफुल हो सके, क्योंकि ये मेरे लिए यूजफुल ट्रिक है। तो एक बार आप भी जरूर ट्राई करना। और इतना करने के बाद आपको सिंपली इफेक्ट्स को प्रेस करना है, एंड यहाँ प्रेस करने के बाद यहाँ नीचे पे आपको कलर्स वाली ऑप्शन देखने को मिलेगी, उसे प्रेस करेंगे एंड सिंपली कंट्रास्ट को प्रेस करेंगे और कंट्रास्ट को कम करेंगे, देन इरेजर को प्रेस करेंगे एंड इस आइकन को प्रेस करेंगे और ब्रश की सेटिंग को कर लेंगे चेंज। सो इस तरह से सेटिंग को कर लेंगे चेंज, एंड इस तरह से आपको नीचे पे सुस्त पे ड्रॉ करना है, इस तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा डार्क करना है। तो इस तरह से आपको मेरी तरह ड्रॉ कर लेना है, एंड उतना करने के बाद सिंपली आपको डन करके इसे ये वाले आइकन को प्रेस करेंगे जिससे ये अप्लाई हो जाएगी। देन आपको ब्राइटनेस को प्रेस करके आपको इसे थोड़ा सा कम ज्यादा करके आप एडजस्ट कर सकते हो, एंड सिंपली इरेजर को प्रेस करेंगे एंड इस वाले आइकन को प्रेस करेंगे और मैं ब्रश की सेटिंग को चेंज करके इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। सो देन यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद अगेन ऐड फोटो को प्रेस करेंगे एंड ये वाली पीएनजी को ऐड करेंगे जो कि ब्लर वाली काइट्स है। तो इस तरह से यहाँ पर सेट कर सकते हो नीचे या ऊपर पे, एंड सेट करने के बाद अगेन ऐड फोटो को प्रेस करेंगे और आपको मेन काइट्स पीएनजी को ऐड करना है, मतलब जिसे आप उड़ा रहे हो। इस तरह से आपको एक काइट पीएनजी सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये वाली पीएनजी को मैंने ऐड करा है, तो इस तरह से मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ, इसे अपोजिट भी कर सकता हूँ। एंड इतना करने के बाद अगेन फोटो को प्रेस करेंगे एंड एक रोप पीएनजी को ऐड करेंगे, मतलब जिसे आप अपने काइट्स पे लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको दो रोप की पीएनजी दूंगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो इस तरह से आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हो, एंड इसके ओपेसिटी को कम करना मत भूलना। देन नेट फोटो को अगेन प्रेस करेंगे एंड जो दो काइट्स पीएनजी है उसे ऐड करेंगे एंड इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे। सो देन अगेन नेट फोटो को प्रेस करेंगे तो ये वाली पीएनजी में आप एक रोप देखने को मिलेगा एंड नीचे शैडोज भी देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करूँगा, सिंपली मैं जो नीचे वाली शैडोज है उसे इरेज कर लूँगा। तो इसके लिए सिंपली आपको इरेजर को प्रेस करना है एंड जो नीचे पे शैडोज बनी है उसे आपको सिंपली इरेज कर देनी है। तो इस तरह से इरेज करेंगे एंड रोप को रहने देंगे, तो डन कर देंगे। एंड इस तरह से रोप को आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेनी है एंड इसमें भी ऑपोजिट को थोड़ा सा कम कर लेनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सेट करूँगा एंड वैसे ही आपको अगेन कर लेनी है, क्योंकि दो पीएनजी को ऐड करा है, मतलब दो की आइट्स पीएनजी को ऐड करा है। तो इस तरह से फटाफट से सेट कर लूँगा। सो इतना करने के बाद अगेन नेट फोटो को प्रेस करेंगे और अब मैं शैडोज पीएनजी को ऐड करूँगा। तो इस तरह से मैं यहाँ बड़ा करूँगा एंड नीचे पर इस तरह से सेट कर लूँगा। तो आप अपने मॉडल के हिसाब से कर सकते हो। मैंने इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, तो आप चाहो तो कर सकते हो ये शैडोज को ऐड और लेयर्स पे आके मूव डाउन कर देंगे जिससे ये बैक साइड चली जाएगी, और इसे मैं कर दूंगा डन। तो सारी पीएनजी हमने ऐड कर ली है। तो सिंपली आप टूल्स पे आके एडजस्ट पे आ जाएंगे एंड ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, देन इरेजर को प्रेस करेंगे एंड ये आइकन को प्रेस करेंगे। एंड पहले मैं ब्रश की सेटिंग को पहले चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको फटाफट से चेंज कर लेनी है एंड सिंपली आपको अपना हैंड पे सबसे पहले जूम करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जूम करूँगा एंड ब्रश की सेटिंग को कर लूँगा चेंज। तो चेंज करने के बाद इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। तो इस तरह से आपको भी फटाफट से ड्रॉ कर लेनी है, मतलब आपको अपने स्किन साइन कपड़े पे चमक देनी है। तो इस तरह से आप दे सकते हो।
तो इसमें थोड़ा सा वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया हूँ ताकि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो। बट ये वाली प्रोसेस बहुत ही क्योंकि ये वाली प्रोसेस को आप समझ सकते हो बहुत ही ईजी है। एंड सिंपली आपको ड्रॉ वाली ऑप्शन को ओपन करके अपना फोटो लेनी है सेव। एंड सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली लाइटरूम ऐप को ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद अपना फ़ोटो कर लेंगे ऐड। तो यहाँ मैं ऐड करूँगा, तो फटाफट से अपना फ़ोटो कर लूँगा ऐड। एंड सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, कलर वाले ऑप्शन पे, एंड इसमें सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, डायनेमिक्स टैब को ओपन करेंगे एंड इसमें सेचुरेशन को इंक्रीज करेंगे एंड लुमिनस को थोड़ा सा कम कर दूँगा और व्यू को भी देख लेता हूँ, तो ये ठीक है। देन ऑरेंज कलर पे आ जाएंगे, तो इसमें सेचुरेशन को इंक्रीज करूँगा एंड लुमिनस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना एंड व्यू को इंक्रीज कर लूँगा। देन येलो कलर पे भी सेम सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेंगे एंड व्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। देन ब्लू कलर पे भी चेक कर लेते हैं फाइल। अब मैं इसे कर दूंगा डन। डन करने के बाद ये वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड इसमें क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। सो ओके, अब लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, इसमें हम एक्सपोजर को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे। देन शैडोज को इंक्रीज करूँगा एंड हाईलाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा एंड वाइट को भी इंक्रीज करूँगा एंड ब्लैक्स को चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड हाईलाइट को थोड़ा सा और अच्छे से इंक्रीज कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर में हमारी फोटो हो चुकी है रेडी टू सेव। तो फटाफट से शेयर वाले आइकन को प्रेस करूँगा एंड एक्सपोर्ट को प्रेस करूँगा एंड यहाँ से डन करके अपना फोटो कर लूँगा सेव।